बड़ा बाजार ज़िला कांग्रेस कमेटी अकलेती सेल के नायब सदर और 39 नंबर वार्ड के कांग्रेस लीडर मोहम्मद शमशाद पिछले कई दिनों से आवाम के दरमियान रमज़ान किट्स की तकसीम में लगे हुए हैं और इनकी तारीफ 39 नंबर वार्ड के आवाम ने भी की। आइए आवाम के साथ इनके भी बातें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कितना बार मिला आपको? बस एक ही बार। एक ही बार मिला, उसके बाद से नहीं। और आपका यहाँ का जो समाज सेवी मोहम्मद शमशाद, उसका तरफ सब लोग क्या मिला? उनकी तरफ से दो बार मिल चुका है, काफी राशन मिला। कितना किस्म का सामान मिला था उसमें? चना दाल का, चना का, चावल का और आटा और अंडा भी दिए हैं इस बार। चार पीस अंडा दिए थे और अच्छा अच्छा मतलब उनका तरफ से मिला ना, सब पे मिलते जाता आप लोगों को? मिलते रहता है, अभी तो दो बार मिल चुका है, अब आगे पता नहीं। आपका नाम आगे बता दीजिए। सबाना खातू। मतलब किस एक बार करे या दो बार की? शमशाद भाई किया, सोनू भाई घर में पहुंचा दिया, लाइन लगा के नहीं बुलाया, घर में ला के पहुंचा दिया है। टिकट नहीं बांट रहा है कि हाँ टिकट लो और लाइन लगा के लो, वाजिब है कि घर में ले आके दे दिया, वो नाम होता है कि हाँ ये हमारा मदद किया है। बोली और कौनसीलर है कि हम आएंगे घर घर, अरे नहीं आएंगे तो कोई को भेजेंगे पूछने के लिए कि हाँ आप लोग कैसे हैं, आप लोग का दिन कैसा गुजर रहा है, आप लोग कैसे चल रहे हैं, आप लोग का तो सोवर का काम नहीं हो रहा, बंद है देखना। देखिए लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, हम लोग लॉकडाउन स्टार्ट हुआ दो दिन के बाद से हम अपने वार्ड के अंदर में घुर घुर के घर 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 जाके हम लोग राशन दे रहे हैं। और किसी जो भी हमारे वार्ड के 39 वार्ड के अंदर में 80% गरीब आदमी है, मैं हर कोई को घर में राशन दे रहा हूँ। और ये बोल के नहीं दे रहा हूँ कि आज आपको वीडियो ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, आज मैं पेपर में दूंगा, इसमें दूंगा, ये बोल के नहीं। आज हम आम जनता के बीच में, आम पब्लिक के बीच में हमने जो काम कर रहे हैं, दिखा के नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक सोशल वर्क कर रहे हैं और हमारा ड्यूटी है। हम लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता है और हम लोग घरे घर जाके आम पब्लिक को दे रहे हैं, उनके पास वीडियो कैमरा लेकर नहीं जा रहे हैं ना, उनका ये कर रहे हैं कि आप बोलिए शमशाद भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ आम पब्लिक करेंगे, मैंने आपस में इलाके के अंदर में वोट के टाइम में मैं किसी के पास में अपने तारीफ का पुल नहीं बरसाऊंगा। मैं मीडिया के सामने ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे तारीफ कीजिए, मैंने 400-500 देखे लेडीज़ लोग को, लड़का लोग को देखे दलालीगिरी कराएंगे, वो नहीं। इसका आदमी ये लोग बोल रहा है, ये कौंसलर बोल रहा है कि दो महीना में मैं 90 लाख रुपया बांट चुका हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, 39 वार्ड एक बहुत छोटा वार्ड है,
जिसमें 15,000 के लगभग वोटर है और ऐसे पकड़ लिए 40 से 42,000 आदमी यहाँ रहते हैं। मैं इस जगह के अंदर में जो 90 लाख रुपये बांटे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस काउंसलर जो यह था, इस काउंसलर जो है इसका नाम जसीमुद्दीन है 39 वार्ड का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मोहम्मद शमशाद कि डिबेट में बैठ जाए। मैं इस वार्ड का अमाम को बुला रहा हूँ और इस अमाम फैसला कर देगा कि इसने क्या दिया नहीं दिया। आप जाइए सुलेमान भाई, मैं बताने चाह रहा हूँ, आम पब्लिक गाली दे रहे हैं, सिर्फ गाली का सिवा कुछ नहीं दे रहे हैं। बोले ये लोग सिर्फ नाम लिख के गया, क्या दिया, 2 रुपया किलो चावल और 1/2 किलो दाल। जो इसके पास में जो खास लड़का लोग है उसी को मिला है, बाकी किसी गरीब को नहीं मिला हमारे वार्ड में। इसने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम खाना बना के बांटेंगे 20 डे। मैं बता रहा हूँ 6-7 डे खाना बनाया है 20 दिन, 6-7 डे खाना बनाया है 20 दिन, जिसमें जो बौरसी काम किया है उसको मामूली रकम मिला है 25 से 30 हज़ार रुपया, उसका 1.5 लाख रुपया बिल हो रहा है, उसको पेमेंट नहीं दिया। अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप जाकर मालूम कीजिए उस बौरसी से, जो डिकोडर डेक दिया है, जो सामान दिया, बर्तन दिया है, उसको पैसा नहीं मिला। ये बोलता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने वार्ड में 1 लाख रुपया खर्चा किया, जब खर्चा किया है तो उसको पैसा क्यों नहीं मिला। जो एक बौरसी है जो खाना बनाया है, इतना दिन खाना बनाया है 5 स्टाफ को लेके, उसको पैसा नहीं मिला। उसको कह रहे कि हम देंगे पैसा, जो डिकोडर है उसको पैसा नहीं दिया है। और आप हैं, अगर 5-10 हज़ार रुपया अगर हो गया है, अगर वार्ड में काम कर रहे हैं तो मार्केट स्क्वायर मैदान में देख लीजिए आप, 5 दिन पहले पानी हुआ था, अभी तक पानी निकासी नहीं हुआ। आज जो डेंगू होगा इस वार्ड के अमाम को, वो कोई इसका अभी जितने भी इसका था डेंगू का, हाँ, कोई भी इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पर ही। आज जो पूरा वार्ड में देखिएगा, हर घर हर ड्रिंक भरा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। कि क्या काम हुआ है इस वार्ड के अंदर में, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इनलीगल पार्किंग हुआ है, 25 दिन के अंदर में 5 तल्ला मार दिया। और देखिएगा उस रोड का, उस गली का, उस रास्ता का, आपका बिल्डिंग अस्त से दब गया है, गली फट के ऐसा हो गया है। मैं कॉरपोरेशन को, अब मेयर को बोलने चाह रहा हूँ कि इस वार्ड का सर्वे करे, जितना भी इनलीगल बिल्डिंग बना है, गैर कानूनी बिल्डिंग बना है, जो 25 दिन में 5 तल्ला मार दिया है, कि काउंसिलर को पर ढलाई का 22 लाख रुपया दे रहे, पर ढलाई का 22 लाख रुपया। अब सोच लीजिए अगर 6 ढलाई हुआ तो कितने लाख रुपया, कितने करोड़ रुपया हो गया। और एक दो नहीं, हमारा वार्ड के अंदर में 17 बिल्डिंग खुला किया है, सब गैर कानूनी 17 बिल्डिंग खुला है। और 17 बिल्डिंग के अंदर में आप देख लीजिए, सभी हर कोना का, माने रास्ता का, वो बिल्डिंग का देखिए जमीन फट के ढुक गया अंदर में, कभी भी बिल्डिंग बढ़ सकता है। आज मेयर कोई गौर नहीं कर रहा है। मैं परात हकीम को बताने चाह रहा हूँ कि आप लोग पैसा तो ले लिए है, 500 रुपये स्क्वायर फीट और 1200 रुपये स्क्वायर फीट और थाना 500 रुपये स्क्वायर फीट, अगर ये बिल्डिंग बढ़ जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदार यहाँ का काउंसलर होगा, यहाँ का थाना होगा, कॉरपोरेशन होगा। आज देखिए मैं आप सबके बीच में ये बताने चाह रहा हूँ कि मैं मोहम्मद शमशाद, कोई भी फरीद बोल दे कि मैंने किसी से चंदा लिया हूँ, क्या कोई मुझे 5 या 10 हज़ार दिया है आज वार्ड के अंदर बांटने के लिए, मैं अब तलक मैंने पहले बांटा हूँ 5 दिन, इधर बांटा हूँ 6 दिन, 11 दिन बांट चुका हूँ, अभी 2 दिन 3 दिन हमारा हर प्रोग्राम चले गए। हम अपने वार्ड के अंदर में अभी रमज़ान के महीना में हैं, आपका चना दाल बेसन चावल आलू प्याज लच्छा नमक तेल अंडा ये सब आम पब्लिक को दे रहे हैं। मैं अपने आम पब्लिक को ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जितना शक्ति है मैं आपको दे रहा हूँ, और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे पास में जितना रहेगा मैं उतना देते रहूँगा आपको। अगर ख़त्म हो गया नहीं दे सकूँगा
तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं ले सका हूँ, हमको आप माफ़ कर दीजिए। आप उस वार्ड के अंदर में अगर घूर के जाइएगा, देखिएगा, तो एक ही नाम आएगा कि हाँ शमशाद हर कोना कोना में दे रहा है। मैं किसी को ये नहीं देख रहा हूँ कि वो टीएमसी कर रहा है या बीजेपी कर रहा है। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। हमारा सोमेंद्र एक बात कहे हैं कि आप सब जो भी है हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, आप आम पब्लिक के बीच में सोशल वर्क का काम कीजिए। ये नहीं कहिए कि हम पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से दे रहे हैं, ना किसी से चंदा 10 रुपया कर लीजिए। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी फरीद बता दे कि मैं इसी से किसी चंदा लिया हूँ, मैं चंदा लेकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। और ये काउंसलर इस वार्ड में बोलता है मैं महीना के अंदर में 45 लाख बांट चुका हूँ, 2 महीना में 90 लाख बांट चुका हूँ। मैं पूछने चाह रहा हूँ इस वार्ड के अमाम को बताने चाह रहा हूँ किसको दिया है। मुझे 20 लाख का एक हिसाब बता दे, इवन 15-20 लाख का कि किसी को दिया है। मैं चैलेंज करने का बोल रहा हूँ, इसने 1,55,00,000 का चंदा उठाया है इस वार्ड के अंदर में। अगर 1,55,00,000 का अगर आम पब्लिक के बीच में अगर बांट देते हैं तो आज मेरे हिसाब से हमारा वार्ड का आम जनता जो चंदा उठाए हैं, मैं बोल रहा हूँ 6-6 महीने का राशन हो जाता, 6-6 महीने का राशन हो जाता। आज कोई भी दवा का मारे किसी का मौत नहीं होगा, हाँ हर कोई को दवा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज मैं बताने चाह रहा हूँ, आज सबके बीच में बोलने चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने आज मोहम्मद शमशाद, मैं खुला आम कांग्रेस के तहत हम लोग नेता, हम लोग छोटा कार्यकर्ता है, हम लोग कोई नेता बन के नहीं कर रहे हैं, छोटा कार्यकर्ता बन के कर रहे हैं। आज हम लोग इस वार्ड के अंदर में जो काम कर रहा हूँ आप सब देख लीजिए, दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मीडिया लेके नहीं डूब रहा हूँ घरे घर कि आप सब बोलिए कि हम लोग कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आप वार्ड के अंदर में घूम लीजिए, किसी को भी बोलिए कि मैंने किसी का घर में जाकर आपका किसी इंटरव्यू, किसी का बयान लिया हूँ। मैं बयान सिर्फ ऊपर वाला से लूँगा कि मैंने अपने जानते हुए सबको हेल्प किया हूँ वार्ड के अंदर में। अगर किसी को नहीं किया हूँ उससे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब तलक टोटल लॉकडाउन जब से ख़त्म मैंने हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और अब तलक जो ख़त्म तलक मैं गिनती करूँगा तो 8 से 10 हज़ार आदमी पार हो जाएंगे। हम लोग अभी भी दम नहीं तोड़े हैं और अभी तलक देने के लिए खड़े हैं। आज भी, कल भी बटेगा, परसों भी बटेगा। मैं आम जनता को कहने चाह रहा हूँ, आम पब्लिक को बोलने चाह रहा हूँ, जब तक जान में जान रहेगा मैं आपका संग में हूँ। अगर जान खत्म हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।